हमारा हॉर्न चालू हो गया है, ये देखो चालू हो गया, थोड़ा सा और इसे फास्ट करते हैं। फास्ट तो हो गया है ये देखो, और काफी बढ़िया बज रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हॉर्न रिपेयर कैसे करते हैं। ये मेरे पास बाइक का एक हॉर्न है जो खराब हो चुका है। मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि बाइक का हॉर्न रिपेयर कैसे करना है, तो आज आप लोगों को ये जानकारी दूंगा कि जो हमारे बाइक का खराब हॉर्न होते हैं उसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को फुल जानकारी दूंगा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहना। ये मेरे पास 2.5 LB की बैटरी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस हॉर्न को चेक करवा देता हूँ, ये चल रहा है या नहीं। बाकी बैटरी हमारी देखो चार्ज है, बैटरी हमारी चार्ज है, इतने में हमारा हॉर्न चालू हो जाना चाहिए। बट ये देखो, ये हम क्लिप में ज्वाइन करते हैं, हॉर्न को अटैच कर लेते हैं, और उसके बाद ये देखो ये हॉर्न अभी तो बंद है। तो यहाँ का कैप निकालते हैं, यहाँ पर जो स्क्रू होता है सेटिंग करने का, पहले मैं उसे आप लोगों को सेट करके दिखाता हूँ। ये अभी हॉर्न बंद है, ये देखो हम इसे चाहे जितना घुमा लें, जो हमारा स्क्रू सेटिंग का आता है एडजस्ट करने का, हॉर्न हमारा हॉर्न नहीं चल रहा है। ये देखो ये जो हॉर्न है पूरी तरीके से बंद है, मैंने ट्राई करके देखा ये नहीं चालू। तो चलो इसकी वायर निकालते हैं और अब इसे रिपेयर कैसे करना वो बताते हैं। यहाँ पे इसे रिपेयर करने के लिए जितने भी स्क्रू हैं आप लोगों को ये खोलना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी स्क्रू लगे होते हैं इन्हें खोलना पड़ेगा, और जिसमें स्क्रू हैं वही हम रिपेयर कर सकते हैं, बाकी जिसमें स्क्रू नहीं होते हैं वो हम रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो चलो इसके सारे स्क्रू को हम खोल लेते हैं। एक पेचकस लेना है और पेचकस से आप लोगों को सारे स्क्रू को खोल लेना है। ये स्टेप आप लोग घर पर भी कर सकते हो। तो चलो हम इसे खोलते हैं सारे स्क्रू। सारे स्क्रू हमने हॉर्न के खोल दिए हैं, तो इसे मैं रख देता हूं। उससे पहले आप लोगों को एक जानकारी और दे देता हूं, तो बाइक के पास चलता हूं फिर बताता हूं। यहां पे एक बाइक खड़ी हुई है, तो यहां पे ये हॉर्न में अगर मैं बात करूं तो ये हॉर्न में एक भी स्क्रू आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। तो ये हॉर्न हम रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें स्क्रू नहीं, तो हम इस हॉर्न को खोल नहीं सकते, रिपेयर नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पे ओरिजिनल हॉर्न लगा हुआ है, इसमें आप लोगों को स्क्रू सारे मिल जाएंगे। तो ये हम हॉर्न हम रिपेयर करेंगे और ये हॉर्न हम रिपेयर नहीं कर सकते, बाकी जिसमें स्क्रू है वही रिपेयर होंगे। तो यहाँ पे ये स्क्रू हमने खोले थे और अब इसमें हम क्या करना है आप लोगों को ये बताते हैं। इसमें आप लोगों को एक ब्लेड ले लेना है, आरी ब्लेड जिसको बोलते हैं, ये ब्लेड को यहाँ पे एक डॉट बनाना है, इस तरीके से यहाँ पे एक डॉट बनाना है, और इसके जस्ट पीछे यहाँ पे एक डॉट बनाना है, यहाँ पे ये, बाद में हमको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आप बता रहा हूँ कि इसमें डॉट बना लेना आप लोग। यहाँ पे एक डॉट और एक डॉट हमारा आगे की तरफ बना लिया है यहाँ पे, और एक डॉट हमको बनाना है यहाँ पे, यहाँ पे ये तीन, जब हम फिटिंग करेंगे तो ये तीनों चीज आपस में मिलाएंगे, इस वजह से डॉट बनाए। बाकी इसे निकालते हैं, ये कुछ काम का नहीं है। बाकी अब इसके बाद इसका जो कंप्लीट हम ये खोलते हैं, ये निकालते हैं, यहाँ पे हमारा सारा सिस्टम मिल जाएगा हॉर्न का, काफ़ी ज़्यादा इसमें जंग वगैरह लग चुकी है, बाकी हमको इसे रिपेयर करना है। तो चलो आप लोगों को बताता हूँ रिपेयर कैसे करना है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले हॉर्न को क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा भी है, तो इसे क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके ये देखो ये है ब्रश, ब्रश से पूरा क्लीन करते हैं, पूरे हॉर्न को जितनी मिट्टी वगैरह है सारा कुछ क्लीन कर लेते हैं। सारा हमने क्लीन कर लिया है उनका जितना भी सामान था। उसके बाद ये जो एडजस्टर वाला स्क्रू है इसे आप लोगों को पूरा खोल लेना है। तो चलो हम इसे पूरा खोल लेते हैं, इस तरीके से पूरा खोल के इसे बिल्कुल कर देना है हॉर्न से अलग। तो अलग कर दिया, अब इसके बाद ये है हमारा हॉर्न और यहाँ पे हमारी कॉयल वगैरह लगी होती है। यहाँ पे एक पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, ये दोनों पॉइंट को हमको करना है क्लीन। इसे कैसे क्लीन करना है ये देखो, यहाँ पे पॉइंट है, इसे मैं दबाऊंगा तो पॉइंट दोनों आप लोगों को नजर आएंगे। ये देखो ये दोनों पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो इसके बीच में हमको क्लीन कैसे करना है, तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा रेग माल। यहाँ से पट्टी देखते हैं अलग अलग हो जाती है, बट अलग नहीं होगी। ये हमने लिया रेग माल और इसे यहाँ से थोड़ा सा फाड़ लेंगे, इस तरीके से इतना पतला हम फाड़ लेंगे। अब इसके बाद इसको डालना है दोनों पॉइंट के बीच में, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट के बीच में कैसे डालना है, इस तरीके से दबाना है
ये इस तरीके से दबाना है, और यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे इतना दबा लिए, इसके बाद यहाँ पे बीच में हम रेगमाल को इस तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, थोड़ा सा पेचकश से हम पट्टी को ऊपर उठाते हैं क्योंकि ये अंदर रेगमाल नहीं जा रहा है अभी, तो थोड़ा सा पट्टी को क्या करेंगे, प्लास लेंगे, ये देखो नहीं जा रहा है, थोड़ा सा ये पट्टी को दबाते हैं और फिर देखते हैं, ये देखो नहीं जा रहा, मतलब नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, प्लास से थोड़ा सा इस पट्टी को ऊपर की तरफ इस तरीके से उठा देंगे, इस तरीके से, ये इस तरीके से उठा देना है। अब इसके बाद अब जो हमारा है रेगमाल बिल्कुल आराम से उस पॉइंट में पहुंच जाएगा, ये देखो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है ये, अब इसके बीच में रेगमाल को डालना है, तो चलो इसे हम रेगमाल को इसके बीच में लगाते हैं, पॉइंट के बीच में लगाना है इस तरीके से। अब क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे दोनों को पकड़ के इस तरीके से खींचना है, इस तरीके से हमारा पॉइंट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ये देखो इस तरीके से खींचते रहना है और आपका जो पॉइंट है वो नीचे वाला क्लीन हो रहा है, बाद में आप लोगों को इसे पलटी करके ऊपर वाला क्लीन करना है। तो चलो हम इसे क्लीन करते हैं, इस तरीके से क्लीन करना है, ये इस तरीके से ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तब आप लोगों को रेगमाल निकाल लेना है। तो अब हमारे दोनों पॉइंट बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं दोनों पॉइंट चमकने लगे, हमने इधर से भी क्लीन कर दिया पॉइंट को और उधर से भी पॉइंट को क्लीन कर दिया, दोनों पॉइंट हमारे क्लीन हो चुके हैं, इस तरीके से क्लीन कर लेना है। अब इसके बाद में क्या करना है आप लोगों को, जो पट्टी आप लोगों ने उठाई थी उसे आप लोगों को प्लास से वापस से बैठा देना है। तो चलो इस पट्टी को हम वापस से इसी जगह बैठा देते हैं, टेढ़ी हो गई है तो थोड़ा सा इसे सीधा करेंगे और बैठा देंगे, यहाँ पर ये बैठ जाएगी, बैठाते हैं और ये बैठ जाएगी थोड़ा सा इसमें, ये देखो ये हमारी पट्टी अभी बैठ जाएगी, इसको कायजे से दबा देना और बैठा देना, अगर कायजे से नहीं बैठेगी तो आपका हॉर्न नहीं चलेगा, हो सकता है एक दो बार खोलना भी पड़ जाए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये पट्टी अगर नहीं बैठी रहेगी सही से तो आपका हॉर्न नहीं चलेगा। यहाँ पर ये पट्टी को हमने दबा लिया है, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ का स्क्रू जो है लगा देना है, यहाँ पे स्क्रू लगा देना, जो हमारा एडजस्टर वाला स्क्रू है उसे हमको लगा देना, टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट करना है, ज़्यादा नहीं टाइट करना आप लोगों को, तो थोड़ा सा हम इसे टाइट कर लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है ये बताते हैं। देखो यहाँ पे ये हमारा स्क्रू एडजस्टर वाला लग चुका है और हमारे जो दोनों पॉइंट थे दोनों पॉइंट क्लीन भी हो चुके हैं, तो अब इसको करते हैं फिटिंग और चालू करके देखते हैं हमारा हॉर्न चालू हुआ या नहीं, थोड़ा थोड़ा जो भी है उसे और क्लीन कर लेना आप लोगों को, इस तरीके से जो भी है कोयल वगैरह क्लीन कर लेना है, पूरी तरीके से क्लीन कर लेना है, ज़रा से भी डस्ट वगैरह जो है वो नहीं रहनी चाहिए इसमें। ये क्लीन हो गया, यहाँ पे भी थोड़ा सा मार लेते हैं, ये पूरा क्लीन हो गया, ये यहाँ का काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसे हम रख देते हैं, देखो हॉर्न बिल्कुल चमक रहा है। अब इसके बाद ये वाला पार्ट से लेना है और यहाँ पर जंग आप लोगों को नज़र आएगी, ये जंग को रेगमाल से पूरा क्लीन करना है, तो चलो रेगमाल लेते हैं और ये जंग को पूरा क्लीन करते हैं, पूरा क्लीन कर लेना है। तो ये हमने लिया रेगमाल और इसे पूरा क्लीन कर देंगे। हमने पूरा क्लीन कर लिया है, ये देखो पूरा क्लीन लिया, जितना भी जंग वगैरह था सारा कुछ छूट चुका है। और अब इसके बाद अब हमको हॉर्न को फिटिंग कर देना है, तो चलो ये हॉर्न है और यहाँ पे इसे हम लगाएंगे, ये इस तरीके से। अभी हमने जो खाचा बनाया था उसे देखेंगे, यहाँ पे है, ये है, तो इसका जो खाचा हमने बनाया था ये है, तो इसे हम यहीं पे लेके आएंगे, ये देखो इसके जस्ट बिल्कुल सामने लेके आएंगे, ये इसके सामने हो गया। अब इसके बाद जो हमने ऊपर वाली पट्टी निकाली थी वो भी लगाना है, ये देखो बिल्कुल सामने लेके आना है, ये इससे क्या होगा हमारे सारे होल मैच हो जाएंगे। अब इसके बाद ये जो पट्टी है ये पट्टी में भी आप लोगों को देखना है कहाँ पर हमने मारा था, इस जगह पर, तो इसको भी उसी के सामने बिल्कुल लेके जाएंगे, ये देखो ये इस तरीके से लगाओगे तो सारे होल आपके मैच हो गए, ये देखो दोनों पॉइंट। अब इसके बाद सारे स्क्रू को कर देना है टाइट, तो चलो सारे स्क्रू को करते हैं टाइट। तो हॉर्न के सारे स्क्रू टाइट कर दिए, हॉर्न हमारा फिटिंग हो चुका है। अब मैं इसे आप लोगों को चेक करा के दिखाता हूँ, हमारा हॉर्न जो है पहले बंद था अब चालू हुआ या नहीं, तो चलो इसे हम करंट देते हैं पहले और चेक करते हैं। अभी तो ये हल्की हल्की आवाज़ कर रहा है, पहले तो ये भी नहीं कर रहा था। अब इसे यहाँ से एडजस्ट करते हैं,
अभी हल्का ही आवाज़ दे रहा है, थोड़ा सा इसे हम और घुमाते हैं और अब देखते हैं थोड़ा सा और। हमारा हॉर्न चालू हो गया है, ये देखो चालू हो गया। थोड़ा सा और इसे फास्ट करते हैं, फास्ट तो हो गया है ये देखो, और काफ़ी बढ़िया बज रहा है ये देखो। हॉर्न चालू हो गया हमारा, तो चलो इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। बस ये सही है देखो। बस इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी ज्यादा तेज भी बजने लगा है ये देखो। हमारा जो बंद हॉर्न चालू हो चुका है और काफ़ी तेज़ी बज रहा है। आप लोगों ने सुना ये हॉर्न हमने रिपेयर किया है, तो इस तरीके से आप लोगों को रिपेयर कर लेना है। तो आप लोगों को सारी जानकारी मैंने दी हॉर्न किस तरीके से आप लोग रिपेयर कर सकते हो। बाकी ये वीडियो को करते हैं एंड, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।